अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर क्लास 12 जो है उसका प्रैक्टिकल जो है वो जो होने जा रहा है उसके बारे में, और उसमें इंपॉर्टेंट लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे और पैटर्न वगैरह सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। चैनल पर नहीं है तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो रहने दो, नहीं तो कर लो। और यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स क्लास 12 का ये प्रैक्टिकल एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसके बाद एम सवालात पे फिज़िक्स प्रैक्टिकल 12 के भी किए हुए हैं, तो इनको देख लेना। फिज़िक्स 12 की प्रैक्टिकल कॉपियाँ भी अपलोड की हुई हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ से डाउनलोड करना चाहता है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर पे आ जाते हैं, तो कंप्यूटर 12 पे आप लोग को जो पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें रिकग्निशन वगैरह वाला पार्ट आएगा, उसके बाद डाटा बेस आ जाएगा, और उसके बाद C++ आ जाएगी। तो इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं आती आप कमेंट्स कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कंप्यूटर के, और स्टेप्स वगैरह पता होने चाहिए। डेटाबेस में आप लोगों को क्या है, टेबल आपने क्रिएट करने हैं, उसमें 5 फील्ड्स होनी चाहिए, और डाटा टाइप्स आप लोगों को स्पेसिफाई, प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप उनके बिटवीन डेवलप करना आना चाहिए, और क्वेरीज़ वगैरह लिखनी आनी चाहिए। C++ में आपको सीन सी आउट करना आना चाहिए, एस्केप सीक्वेंसेस, सेट W, और उसके बाद अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जिस तरह परसेंटेज, रेशो, ग्रेड्स वगैरह, ये आपको एक दे देगा कि बच्चे के ग्रेड्स वगैरह फाइंड करो। इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। इसके बाद वॉल्यूम पैरामीटर का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, कंपैरिजन आप लोग को आना चाहिए इसके सारे ऑपरेटर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, GCD, LCM और प्राइम कंपोजिट नंबर है, ये सारे प्रोग्राम्स अगर कहते हो तो मैं आप लोग को दिखा भी दूँगा। उसके बाद सॉर्टिंग लिस्ट वगैरह इसको भी देख लेने आप लोगों ने, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस वाले भी इंपॉर्टेंट है, ये डाइस वाला भी देख लेना है, रैंडम नंबर जनरेट जो करता है। इसके बाद पॉइंटर्स आप लोग को आने चाहिए, और ये क्रिएट एंड रीड डाटा फाइल, ये मेरे ख्याल से वो फाइल स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम जो लगाते हैं उसमें ये सारा सीन है। इसमें एक GCD वाला था वो पता नहीं है अब नहीं है, वो निकाल दिए ने कहाँ किए ने। तो ये से यहाँ से ही आपका आएगा प्रैक्टिकल इस लिस्ट में ही, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये छोटे 4-5 छोटे से प्रोग्राम हैं, तो इन्हीं में से आप लोगों ने ये कर लेने हैं। ये वाला ये जो स्टूडेंट रिलेटेड है ग्रेड्स वगैरह ये लाजमी करो, ये आ सकता है आप लोगों के पास। GCD और LCM वाला भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी आ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो वाइवा के लिए पूछेगा 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, या तो आप लोगों ने कुछ कन्वर्ट करना होगा लूप को स्विच में इस तरह, या फिर एरर निकालने होंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये आप वाइल लूप है, तो इसको आप लोगों ने फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। इसी तरह इफ़ एल्स को स्विच में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने इसको इफ़ एल्स के ज़रिए लिख देना है री राइट करके। ये लूप लगा हुआ है मेरे ख्याल से, कंडीशनल स्टेटमेंट कोई अंदर लगी हुई है। तो उसके बाद हमारे पास इसका आउटपुट आप लोगों ने लिख देना है, इसका भी आउटपुट लिख देना है। इसी तरह हमारे पास वर्ड वैल्यू ऑफ वाई, वही आउटपुट ही आप लोगों ने बताना है इसका क्या आएगा। इसके बाद इस स्टेटमेंट में बताने के क्या गलत हुआ है, उसके बाद ये इस कोड को करेक्ट करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, या कोड करेक्शन पूछेगा, या स्विच को उसमें कन्वर्ट कर दो इफ एल्स में, और फॉर लूप को वाइल लूप में, उसको डू वाइल लगा दो इसकी जगह। तो ये सारी कन्वर्जन आप लोगों को लूप्स के दरमियान आनी चाहिए। वाइवा और प्रैक्टिकल नोटबुक अब नहीं होगी, बस यही क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना होगा शीट पर ही। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों का सीन सारा क्लियर हो गया है। तो ये क्वेश्चंस अब कहाँ से करने हैं, ये प्रैक्टिकल कॉपी में से ही कर लो, या आप लोग अपने कॉन्सेप्ट सीधे कर लो ये 4-5, तो बस आप लोग के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, बाकी ये सारे आप लोगों के पास प्रैक्टिकल कॉपियाँ होंगी नहीं है तो अभी बता दो, मैं PDF कुछ करूँगा अपलोड कहीं से कर दूँगा, तो फिर वहाँ से देख के पढ़ाई कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई थी पेपर पैटर्न के रिलेटेड, 2022 की है, ये पता नहीं कब की है, एक साल पहले की। तो इस तरह का आप लोगों का पेपर पैटर्न आएगा, ये वीडियो देख लेनी है जाके आप लोगों ने। कंप्यूटर 12 प्रैक्टिकल नोटबुक फेडरल बोर्ड आगे स्पेस दे के हसीन व्लॉग्स लिखोगे तो यही वीडियो आपके सामने आ जाएगी सर्च में ऊपर।
या पूरा सेम एज इट इज़ ये टाइटल लिखो तो शायद तब भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर ए में आप लोगों ने दो पार्ट्स करने हैं अटेम्प्ट, या आप लोगों ने वेरियस जो पोर्ट्स और स्लॉट्स है मदरबोर्ड पे उनको आइडेंटिफाई करना है, और रैम को आप लोगों ने निकालना है मदरबोर्ड से, फिर वापस उसको प्लग इन करना है। इसी तरह जो मिसिंग पार्ट्स हैं कुछ तो उसने लेबल कर दिए हैं, हार्ड डिस्क है इसके जो ओपन करके इसके लेबल्स पार्ट हैं उनको आप लोगों ने लेबल करना है। तो इन चीज़ों को इस तरह का मतलब आपका सेक्शन ए आएगा, उसके 10 नंबर होंगे, टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। और फिर आगे जो सेक्शन नंबर बी होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेक्शन ए देख लो गौर से, यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, सेक्शन बी जो होगा वो हमारे पास ये होगा, सेक्शन बी जो हमारे पास होगा इसी तरह डेटाबेस है आप लोगों ने क्रिएट करना होगा, वो डेटाबेस से आप लोगों को आएगा जिस तरह school.mbdv। तो आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें ये सारा डाटा फिल करना है, फिर रोल नंबर को प्राइमरी की बना देना है और 5 रिकॉर्ड्स को फिल करना है। इसी तरह क्वेरीज लिखनी है आप लोगों ने, टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह एक क्वेरी लिखनी है जो कि सीनियर्स को डिस्प्ले करेगी, और इस तरह ये सारा कहानी आपने करनी है। ये आपका सेक्शन बी इस तरह का आएगा, ये दोबारा देख लो ऊपर क्लियरली आप लोगों को विजिबल है। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो सेक्शन बी, तो सेक्शन सी नीचे आ गया। सेक्शन सी भी आप लोगों का 20 नंबर का होगा, 20 30 40 हो गए, वाइवा और प्रैक्टिकल की जगह वही 10 नंबर के सवाल पूछ लेगा। तो अगेन क्वेश्चन आंसर में वही GCD वाला पूछ सकता है आप लोगों से, ये पूछ सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव है, क्या है, इसी तरह सॉर्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अगर इनमें से तीनों में से उस लिस्ट में कोई नहीं है तो आपने वो नहीं करना। आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है वो लिस्ट है, मतलब जो सिलेबस है वो उस लिस्ट से बाहर नहीं है। तो ये कोई पुरानी वीडियो में अगर फालतू चीज़ है तो उसको स्किप कर देना, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा पैटर्न की अलग से वीडियो अपलोड करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ से ही दिखा दूँ। जिसने देखनी है इस वीडियो के पीछे ये वीडियो खोल के देख लो, इसमें प्रॉपरली मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे सेक्शन जितने भी हैं इसके। अच्छा जी, तो और क्या सीन आ गया यहाँ पे, ये एक और वीडियो है कंप्यूटर 12 प्रैक्टिकल नोटबुक फेडरल बोर्ड, लिख के इसी तरह सर्च करोगे तो ये आप लोग को मिल जाएगी, जिसमें प्रैक्टिकल कॉपी दिखाई हुई है सारी आप लोगों को, इसमें ये सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हो सारे जाके प्रॉपरली सॉल्व करके किए हुए दिखाए हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है इन पर निशान लगे हुए हैं, टिक लगे हुए हैं, ये वाले आपने कर लेने हैं। ये देखो टिक जिन पर लगे हैं वही इंपॉर्टेंट है इनमें, तो ये सारी कॉपी मैंने दिखाई है। आगे ये प्रोग्राम्स भी दिखाए हुए हैं प्रॉपरली, ये देखो ये सारा आप लोग को ये कॉपी में दिखाया हुआ है, तो ये देख सकते हो प्रॉपरली। ये वाइवा वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं और ये सब कुछ भी यहाँ पे आप लोगों के पास हैं। ये देख लो सारे कोड, उनके आउटपुट और ये सारा कुछ प्रॉपर प्रैक्टिकल कॉपी आप लोगों को दिखाई हुई है कि किस तरह है, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो बहाने बस आपने नहीं करने पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें भी प्रोवाइड कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।